इसका डिश का नाम है काला मटन. मतलब काला मतलब ब्लैक इन मराठी, तो ब्लैक मटन. अब ब्लैक मटन मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ वो ग्रेवी का कलर ब्लैक होने वाला है, सो इट्स कॉल्ड काला मटन. वो क्यों ब्लैक होगा वो देखने के लिए पूरा वीडियो देखना तो समझेगा आप लोगों को. कलर नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों ब्लैक है वो देखते रहो वीडियो तो समझेगा. ओके सो काम भी करे अभी. हाउ इज द जोश? तू बता दे. कुछ नहीं है यार, इधर कुछ है नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है कुछ. हाय हेलो नमस्कार मातरेला वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. सो इनी कुकिंग वीडियो पसाद शेफ लेर. आज क्या स्पेशल है? ठूसने के लिए आज मटन. हाँ बस मैं ही हूँ घर पे जो ठूसती हूँ. अभी सबसे कम अभी मैं सुबह सुबह उठ के मेरा सब कुछ काम करके फ्रेश होके रहने दो मेरे को, मेरे इधर दिनचर्या देने का भी जरूरत नहीं है. सो नहा धो के तैयार हूँ मैं. और एक एक ऐसे लोग आधा दिन हो गया, आधा दिन चला गया है, अभी तक फ्रेश नहीं हुआ है. लोगों को पेट भरने के लिए खुद पकाना पड़ता है, ऐसे लोगों की तरह नहीं कि बैठे बैठे ठूसने को. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब क्या बोलते हैं, सब सिर्फ कैमरा के सामने. हाँ, कैमरा हाँ, के पीछे बस मैं ही काम करती हूँ. हाँ, हाँ, वो किसी को दिखता नहीं है, क्या करे, मेरे को ही मालूम मेरा दुख. तो आज नया कुछ हम लोग ट्राई कर रहे हैं रेसिपी. तो ओवर टू यू. हमने पहले मतलब वो आइटम खाया है. हाँ. बट हमेशा किसी और ने बनाया हमने खाया है और वो बहुत डिलीशियस है. तो इस बार सोचा कि चलो थोड़ा कुछ हम लोग भी मेहनत करके बना कर खाएं. सब ने बोला घर पे ही बनाते हैं तो आज महाराष्ट्रियन डिश तो यहाँ पे नहीं मिलेगा वो, इसलिए सोचा कि चलो बना के खा के देखते हैं. Yes. इतना तो पक्का है कि एग्जैक्टली वो नहीं बना तो भी टेस्ट वाइज तो अच्छा बनेगा. सो लेट्स सी. इसका डिश का नाम है काला मटन. Yes. मतलब काला मतलब ब्लैक इन मराठी, तो ब्लैक मटन. अब ब्लैक मटन मतलब कुछ और नहीं है वो, सिर्फ वो ग्रेवी का कलर ब्लैक होने वाला है, सो इट्स कॉल्ड काला मटन. वो क्यों ब्लैक होगा वो देखने के लिए पूरा वीडियो देखना तो समझेगा आप लोगों को. कलर नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों ब्लैक है वो देखते रहो वीडियो तो समझेगा. ओके सो काम भी करे अभी. हाउ इज द जोश? तू बता दे. कुछ नहीं है यार, इधर कुछ है नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है कुछ. ओके अभी इसमें स्टेप वाइज है. तो पहले अपने को मटन को मैरिनेट करने का है. तो मैरिनेट करने के लिए विल नीड जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है ग्रीन चिली और कोरिएंडर धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स का पेस्ट, हल्दी, सॉल्ट एंड थोड़ा सा दही. तो ये होगा फर्स्ट मैरिनेशन, इससे अपन मटन मैरिनेट करके रखेगा. उसके बाद दो और मसाले बनेंगे, वन इज पाउडर गरम मसाला और दूसरा है वो काला पेस्ट. पाउडर गरम मसाला भी बता दूं मैं क्या क्या है? यस, ताकि तू बना आगे फिर. कोरिएंडर सीड्स है, मैं क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ अभी, अगर किसी को चाहिए तो लेट देम राइट इन द कमेंट सेक्शन. कोई कमेंट नहीं करता है ना, तो अभी सिर्फ देख लो. कोरिएंडर सीड्स है, वाइट तिल है ये एड में, इसको जावित्री बोलते हैं, एक जावित्री है, ये स्टार एनीस आई थिंक बदियान ऐसा कुछ तो बोलते हैं इसको, पेपरकॉर्न, थोड़ा सा लवंग, क्लोव्स, ब्लैक इलायची, सिनेमन, बे लीफ, जीरा, ये अपने को चाहिए इसको पाउडर करने के लिए. इसको थोड़ा सॉल्ट के साथ रोस्ट करके इसका पाउडर बनाएंगे. सॉल्ट के साथ रोस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, वो इजीली उसका फाइन पाउडर अच्छे से होता है. तो अभी पहले अपन मटन मैरिनेट करेंगे. अपन ने तू काम करेगी. तो पहले स्टार्ट करने से पहले मेरे शेफ का नाम लेके मिसेस सुजाता पुजारी का आशीर्वाद हम पे ऐसे बना रहे. ए शेफ इधर, मैं आज शेफ, मैं इधर आज. वो मतलब वो क्या बोलते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी शेफ है ना, तो वो पिला लो. तो फिर एक इधर है बैठा है, फिर वो रिटायर्ड है, अभी वो शेफ रिटायर्ड है. तो पहले मटन को लेके उसमें ज्यादा बड़ा नहीं है ना पीसेस, नहीं मीडियम है. क्या डाला इसमें पहले अभी तूने? कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, और उसमें जाएगा जिंजर गार्लिक. कितना है?
डाल बोलते है, इसलिए बोला ना तेरे को सिर्फ काम करने के लिए रखा है। और ये नया रेसिपी और एक स्पून डाल, मेरे को भी मालूम नहीं है इसका क्या है आइडिया। बस तो हाँ, अभी हल्दी थोड़ा डाल। हाँ डाल, तो ये गया हल्दी। बस सॉल्ट अभी पहले थोड़ा डालेगा क्योंकि बाद में भी सॉल्ट डालना है। हमको भी कोई ऐसा वाटी वाटी चमचा चमचा में डाल के रख के जाता तो अच्छा लगता। ये इधर वाटी वाटी चमचा चमचा अपने को ही धोना पड़ेगा फेस के लिए, रहने दे, डब्बा डब्बा से निकालेगा अपन। तो इसको भी अभी इसमें थोड़ा दही भी डालना है। हाँ, इसको पहले एक बार अच्छे से मसाज कर लो। दही एक्चुअली ऑप्शनल है। हाँ, बट थोड़ा सा अगर डाल दोगे तो इट विल बी गुड, बिकॉज वो थोड़ा खटास उसमें आएगा, बट एट द सेम टाइम वो दही से मैरिनेट करने से ना मीट जल्दी कुक होता है, प्लस थोड़ा जूसी रहता है, ड्राई नहीं होएगा। वाह, हाथ धो के ले। ये कौन सा हम लोग का कुकिंग वीडियो है। अभी सिर्फ खाली वीडियो चालू है करके काम करने में मजा आता है ना तेरे को? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मम्मी का ये मेरे में भी आया है खाना पकाने के लिए। अच्छा, पर मेरे को ऐसा नहीं, मैं जब पकाते तो मेरे को किचन खाली लगता है, तो मैं जाता ना तू बना। अभी वीडियो कौन बनाएगा फिर? स्टैंड पे लगाता ना मैं, वो बराबर नहीं होते। नहीं होते होते है, मैं एडजस्टमेंट करता ना। होगा, हो गया मैरिनेट। यस, इसको अभी कवर करके फ्रिज में रख दो। okay. एक घंटा एटलीस्ट में अच्छे से मैरिनेट हो जाए, दैट बी गुड। अभी दोस्तों ऐसा ऐसा थोड़ा बोलने का, ऐसा थोड़ा कुकिंग व्लॉग लगना चाहिए अपना, नॉट सो प्रोफेशनल कुकिंग व्लॉग, इसलिए बोला है। अभी सब मसाला को रोस्ट करने का, अपने को जो जो मसाला तभी मैं बताया सबको अपन रोस्ट करेंगे। इसको फुल रोस्ट करना है या हल्का से? लो फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि वो कैसा थोड़ा सा क्रिस्प जैसा बनता है, तो उसका पाउडर अच्छे से फ्लेवर्स और एनहांस हो के आएगा, उसका ऑयल रिलीज होता है। इसके लिए हाई फ्लेम पे नहीं करना है, ऑयल थोड़ा ही रिलीज होना चाहिए, इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल मेहनत है, वही है ना, चूल्हा रहेगा तो ये मेहनत नहीं लगता, फट से चूल्हे में डालो निकालो, ये चूल्हे का मेहनत है। और हमारा फोक आज दम तोड़ने वाला है, फोक का अलग बंद हो गया है, अभी 1.5 आवर हो गया मैरिनेट करके। हाँ, तो अभी पहले अपन उसको पकने के लिए रखेगा। ओके, ओपन कुकिंग भी कर सकते हैं अगर तुम्हारा टेंडर है मटन, तुमको मालूम है, लेकिन फिर अभी उतना गैस नहीं वेस्ट करने का है, और फिर पता नहीं मटन कैसा है, अच्छा है नहीं है, तो थोड़ा देर कुक करने का। क्यों अपन ऐसा करते हैं? ताकि वो जो बाहर का उसका मटन का पोर्शन रहता है वो पूरा सील हो जाता है, बेसिकली उसका जूसेस उसके अंदर रहते हैं, फिर धीरे धीरे उसका पानी में उसको कुक होने को देने का, बाद में उसमें गर्म पानी ऐड करने का, ठंडा नहीं ऐड करने का, ठंडा ऐड करने से मटन जल्द अच्छे से कुक नहीं होता है, प्लस उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। सो ऑलवेज ऐड हॉट वाटर उसको जब ऐड करोगे पहले, लेकिन उसका ही जूसेस में उसको कुक होने को देने का। यही था वो ब्लैक। हाँ, वो काला मटन ये और ऑनियन, तो
बिकॉज ये ड्राई कोकोनट है तो जब उसको ग्राइंड करेगा ना उसका तेल और छूटेगा. तो जितना तुम उसको ग्राइंड करोगे या फिर कुक करोगे उसका ऑयल छूटते जाएगा. तो अभी बैटिंग मेरे हाथ में देते हुए फिर से कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए लगते हुए तो बैटिंग ही करता है मालूम है मेरे को. तो अब ये ऑनियन फ्राई हो गया तो इसमें जो मटन मैरिनेट करके रखा था तो अभी वो डालते हैं. मटन पहला सियर करते टाइम फ्लेम थोड़ा हाई रहने दो. अपने आप उसका जूसेस छोड़ेगा बिकॉज उसमें वैसे भी दही है प्लस मटन फ्रेश है तो जूसेस थोड़ा देर ऐसे ही कवर करके छोड़ दो ताकि उसका जूसेस पहले जो है वो निकलने दे. तो ये अभी जो रोस्ट किया था तो सब जाएगा मिक्सर में. जो अनियन और ड्राई कोकोनट रोस्ट किया था वो तो काला काला देख के डरो मत. वो कोकोनट का ही जो ब्लैक निकलता है वो है और अनियन का जो स्किन था उसका और इसी से वो कलर आता है काला. yes. दिखने को ऐसा है बट खाने को बहुत अच्छा है ये. इनफैक्ट फिर भी हमारा अनियन फिर भी काफी वाइट और पिंक दिख रहा है. यूजुअली वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाता है. अभी बीच में मटन एक बार चेक करने का. ये देख कैसा वो मटन का ही पानी छूट रहा है ना. इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है. अभी पानी अपने हिसाब से जितना चाहिए वैसा डाल सकते हैं और अपने को वो पानी का कुछ और भी बनाना है इसके लिए थोड़ा पानी हमको ज्यादा डालें तो स्टॉक अपने को निकालने को मैरिनेशन के टाइम पे अपन ने थोड़ा सॉल्ट डाला था और गरम मसाला पीसते टाइम भी थोड़ा डाला था चेक करके थोड़ा सॉल्ट मिक्स करके कुकर को बंद करके सीख लिया. फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर रही हूँ एकदम हाई नहीं मीडियम हाई और फिर एक दो विसल जैसा भी मतलब अंटिल योर मटन इज लाइक 90% 95% कुक. इतना मटन लाइक आई सेड 90% कुक हो चुका है तो इसका मसाला अपन रेडी करेंगे. तो एक पैन में पहले ये कैसा अगर जिसके पास आयरन कढ़ाई रहेगा तो लोग आयरन कढ़ाई यूज कर सकते हैं. तो उससे क्या होता है ये मसाला का जो काला कलर है वो और ज्यादा दिख के बेटर होता है. अच्छा वो आयरन का ये छूट के उसमें कलर और बेटर होता है. अपने पास वो नहीं है तो मैनेज ऐसा दूसरा इससे जुगाड़ू जुगाड़ू. अभी इसमें तेल पहला गर्म करने का. मैं थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट फिर से इसमें ऐड करेगा क्योंकि मैरिनेशन में हमने थोड़ा डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट चिकन या मटन के साथ थोड़ा और बेटर लगता है. तो
तेल थोड़ा गर्म होने के बाद थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर। अब ये अपना जैसा जिसको स्पाइस लेवल चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में ग्रीन चिली डाला था, हाँ ग्रीन चिली पेस्ट डाला, इसके लिए एकदम ज़्यादा भी डालूंगा इसको जैसा तीखा चाहिए उस हिसाब से। एक कोल्हापुरी मसाला भी आता है, वो कांदा लहसुन मसाला बोलते हैं, वो भी डालते हैं लोग, वो नहीं है तो रेड चिली पाउडर से भी काम चलेगा। यूजुअली ये डिश थोड़ा तीखा ही रहता है। जो पेस्ट बना के रखा था हमने, काला पेस्ट हमने थोड़ा स्लो कर लो, बिकॉज़ वरना जल जाएगा। अगर मसाला हमारा ऐसा मतलब जल रहा है या ऐसा कुछ लगा किसी भी पॉइंट पे, और पानी डालते हैं अपन नॉर्मली, तो पानी मत डालो इसमें। जो मटन का स्टॉक बना के रखा है अपन ने, जो सूप है उसका, वो ही ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें पूरा उसका फ्लेवर्स है मटन का, तो फिर वो उसी से भी हो। अब ये मसाला अगर अच्छे से कुक होने के बाद, नॉर्मली अगर मसाला तुमने ज़्यादा बनाया है तो इसको क्या कर सकते हैं, मटन मसाला थोड़ा ड्राई ड्राई रखने का, तो सिर्फ मटन का पीसेस निकाल के मसाला में कुक करने का, चिली एंड सॉल्ट तुम्हारा एडजस्टमेंट करके, और उसमें लेमन जूस थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अभी हमने ज़्यादा नहीं उसको मसाला बनाया है, और उसमें फिर बाकी का चीज़ स्टॉक में फिर से ये मसाला डाल के उसको पतला रखने का, ग्रेवी जैसा से। तो अभी इसमें मैं पहले मसाला में मटन ऐड करते हैं, मटन कुक करने के लिए इसलिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि फिर थोड़ा जो 10% है लास्ट का वो मसाला में कुक होएगा, वो मसाला भी अब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से। किस चीज़ के साथ खा रहे हो, नॉर्मली ये भाकरी के साथ अच्छा लगता है, चावल का भाकरी, आरी का रोटी, नमा और दा रोटी अत चावल का भाकरी या फिर ज्वारी का भाकरी, उसके साथ अच्छा लगता है। बट आज अपन अभी इसको पाव के साथ खाने वाला है, यस। तो इसके लिए इसका ग्रेवी थोड़ा पतला रखेगा, क्योंकि पाव ऑब्वियसली उतना ग्रेवी अब्जॉर्ब करेगा, टेस्ट मालूम पड़ेगा। अरे तू नींबू तो नहीं छोड़, उसमें अच्छा लगता है नींबू, पहले बिना नींबू। मेहनत सफल था एक्चुअली मैं मेहनत सफल था, बॉम्बे के बाद का ये सबसे बेस्ट मटन बोल सकते हैं। थैंक यू बहुत अच्छा था।